और वो स्टॉपर लगाने हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मम्मी यहां पे बनाने जा रही हैं आज भरवा करेला, जो कि नई स्टाइल से बना रही हैं। बस आप देखते जाइए और आपको अच्छा लगेगा ये, और अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। कल के वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए उसके लिए, सच में दिल से थैंक यू। तो मम्मी ने यहाँ पर ऑयल डाला है और इसको पहले हम इसको मम्मी भून लेंगी अच्छे से। मैं खुद तेल छोड़ दे, तेल हमने तो आपको, आपने बोला आप डालेंगी तो हम रुक गए थे। दाल किसी के साथ प्याज भी होता है। हाँ, बालना भूल क्या है, ये सिम कर दो प्याज। तो देखा आपने मम्मी ने क्या किया, पहले करेले को भून लिया है, उसके बाद प्याज चॉप करके डाल दिए। यहाँ पे ये मम्मी ने आम को ग्रेट कर ली है, कच्चे आम को, वो भी डाल देंगी। इसी में नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी मसाले डालने हैं वो सारे मसाले देखिए अब डाल रही हैं। तो हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और यहाँ पे मम्मी सौंफ डाल रही हैं। अगर पिसा हुआ सौंफ हो तो वो डालिए, वो और अच्छा टेस्ट आता है। मम्मी ऐसा बता रही थी कि करेले में सौंफ बहुत अच्छा लगता है। सो मसाले डाल करके अब इसको ढक करके यहाँ पे रख देंगे और ये धीरे धीरे अपने आप ही पकता जाएगा। और बहुत टेस्टी बना था, मैंने तो खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जल गया, अच्छा और वो स्टॉपर लगाने के लिए जो बोला था वो लाए हैं क्या? नहीं लाए। तो ये हमारे बाहर वाले रूम का जो एसी था ना, उसका जो प्लग है वो जल गया था, चलते चलते अचानक से बंद हो गया, फिर चलने लगा, फिर बंद हो गया, ऐसे करके हुआ। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाया था, ये इन्होंने आकर के फिर प्लग चेंज कर दिया था, पूरा प्लग ही जल गया था। वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। और एसी के बगैर तो रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है, इसीलिए चला के देखे। केवल बस वही जला हुआ था, ये दोनों जल गया ना, ये अंदर का है, ये ऊपर का, वो दोनों जल गए। उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ कहीं बाहर जाने के लिए। तो पीहू का मम्मी ने बोला चलो हेयर कट करा देते हैं, तो वर्मा जी मना कर रहे हैं उसका हेयर कट कराने के लिए। वो बोल रहे थे मैं खुद जाऊँगा उसका हेयर कट कराने, मतलब उनका मन था कि वो खुद से तैयार कर उसको हेयर कट करवाएंगे, बट मम्मी ने कहा चलो हम लोग चलते हैं, टाइम है तो करा के आ जाते हैं।
इसीलिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। पीहू के बाल बड़े तो हो ही गए हैं, मैं तो आपको बोली ही थी, अब स्कूल ओपन होने वाले हैं तो उसके पहले थोड़ा सा सेट कर देंगे कि गर्मी है और बच्चा बाहर जाएगा तो कहाँ तक चोटी बांधेंगे या कैसे तैयार करेंगे, बार बार उसको अपने बालों को पकड़ मतलब संभालना पड़ेगा और बच्चे तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इसीलिए। सो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हम दोनों सास बहू, उसका हेयर कट कराने के लिए। तो बस अब मैं यहाँ पे बाल बांध लूँगी। लिपस्टिक मैंने रेने ब्रांड की लगाई है, ये मैंने अभी नया ही मंगाया है। मैं हाई जंप भी कर लेती हूँ ऐसे देखो। बेड पे नहीं, बेड पे नहीं, नीचे उछलो। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, व्लॉग शाम से स्टार्ट किया है, बस एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर। तो अभी बस मैं तैयार हो रही थी, हाँ, और हम लोग जा रहे हैं आज पीहू का हेयर कट कराने के लिए। फाइनली टाइम आ गया है पीहू का हेयर कट कराने को। पीछे बहुत लंबे हो रहे हैं और वो नेक पे ना पसीने गर्मी की वजह से गीले हो जाते हैं और मेरे बाल तो पूरी तरह से ऑयली। वो निकालिए अपना दूसरा वाला, मैं आ रही हूँ। तो चलो चलते हैं, पीहू को मैंने तैयार कर दिया है, चलिए चले। चलिए ये हमारे घर के पास में ही पार्लर था तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और पीहू बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश हो रही थी। अभी आप देखिएगा वो स्माइल कर रही थी और मम्मी कह रही थी बहुत छोटा करा दो इसका बाल, लेकिन मैंने ज़्यादा छोटा नहीं करवाया क्योंकि वर्मा जी मेरे को ना मेरी कुछ जान खा जाएंगे अगर वो इसके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। उनको एक्चुअली पसंद है बड़े बाल, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं खुद ही जाऊँगा पीहू का हेयर कट कराने के लिए, तुम मत जाना। लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है ना, तो फिर इसलिए मैंने सोचा मम्मी हैं तो साथ में चल के करवा ही देते हैं। सो हमने करा तो दिया, लेकिन वो बहुत गुस्सा करने वाले हैं ये तो मुझे पता ही था। लेकिन जब मैं घर पहुंची ना तो वही उसी बात जिस बात का डर था वही हुआ, वो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि क्यों ऐसे कटा दिया। तो यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि पीहू के कितने बाल निकल गए हैं और बस चलिए हेयर कट हो जाता है उसके बाद फिर चलते हैं घर। यहाँ पे उसके बालों में ड्रायर हो रहा था तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ना ये सब करवाने में, उसको अच्छा लगता है तो वो भी खुश हो रही थी। तो हेयर कट करा के आ गए हैं, 2 मिनट का रास्ता था। वहाँ से आने के बाद पीहू ने थोड़ी देर साइकिलिंग करी, उस शाम तो हो ही गई थी। तो उसके बाद फिर मंदिर में आ गए हम लोग दर्शन करने के लिए क्योंकि 7 बजे यहाँ पे आरती होती है। तो पीहू और पीहू की फ्रेंड दोनों ही लोग हैं, मम्मी भी आ गई थी। और शाम को बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मंदिर में आना, आरती में बैठना। और यहाँ पे जब बच्चे आते हैं ना तो जैसे जैसे पंडित जी करते हैं वैसे वैसे पीहू और उसकी फ्रेंड भी करते हैं। देखिए वो अगर माथा टेक रहे हैं तो ये दोनों लोग भी तब तक टेकेंगे, मतलब माथा लगाएंगे जब तक कि पंडित जी करेंगे। तो इस तरह से बच्चे सीखते भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ें और अच्छा भी लगता है। I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel
उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे, डिनर वगैरह सब कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे बनाया था वही मैंगो आइसक्रीम फालूदा वाला शेक, तो यहाँ पे हम सब लोगों के लिए बन चुका है मैंगो शेक एंड आइसक्रीम, उस पर वनीला डाली है, देन यहाँ पे रोज़ सिरप, कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड चिया सीड्स डाल करके। चिया सीड्स, अच्छा मुझे कमेंट आया था चिया सीड क्या होता है। चिया सीड ना एक फ्लैक्स सीड की तरह चिया सीड्स आते हैं मार्केट में, आप ग्रॉसरी शॉप पे पूछोगे तो मिल जाएगा। उसको पानी में भिगो दो 10 मिनट में, बहुत अच्छा से फूल जाता है और वो आइसक्रीम फालूदा वगैरह में डालने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा बढ़िया ठंडा ठंडा शेक तैयार है, चलिए इंजॉय करते हैं और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। दादी से दादू से दादू को जाना।